अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग देख के आप समझ ही गए होंगे, आजकल जो सीज़न चल रहा है तो हलवे वगैरह बन रहे हैं। तो चलें आगे हम चलते हैं और आगे वीडियो देखते हैं इसकी। जी हाँ, तो हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा। पहले हमने चने की दाल, अपनी क्वांटिटी जो भी आप लेना चाहें वो लेकर उसको 2 से 3 घंटे भिगो देना है चने की दाल को। फिर उसका जो पानी है वो ड्रेन करके हमें, उसके बाद हमें 2 कप पानी में चने की दाल को बॉयल कर लेना है। चने की दाल को बॉयल करने के बाद, उसको ठंडा करने के बाद, हमें उसके अंदर घी, ऑयल, आप लोग जो भी यूज़ करते हैं वो ऐड करके इस तरह से हमें भुनाई करनी है। उसके बाद वो इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, जिस तरह से हम भुर्ते की भुनाई करते हैं, आलू के भुर्ते की भुनाई करते हैं, इस तरह से हमें इसकी भी भुनाई करनी है अच्छी तरीके से। इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनकर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं किस तरह की फॉर्म में है ये। इस तरह से हमें इसको भुनाई करनी है। फिर हमें इसके अंदर ऐड करनी है चीनी 1.5 कप। 1 से 1.5 कप आप लोगों ने चीनी ले लेनी है, मैंने वो ऐड कर दी है। इसकी भी इसके बाद हम दोबारा इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद भुनाई करने के बाद ये पक जाएगा तो इसका कलर थोड़ा, ये देख सकते हैं आप लोग, गोल्डन गोल्डन सा आएगा। उसके बाद हमें इसको ट्रे में सेट करना है। सेट करने के बाद हमें इसके लिए जो कहते हैं इलायची, वो उसको हमें हल्का सा पीस लेना है, और बादाम, पिस्ता और खोपरा, ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। उसके बाद हमें ट्रे में सेट करने वाली, जो हमने पूरा दाल को हमने सेट किया है ट्रे में, उसके अंदर ऊपर हम गार्निशिंग कर देंगे अपने हिसाब से, और उसके बाद स्पैचुला की मदद से हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद हमें इसके पीसेस बना लेना है, हमें जिस शेप में भी चाहिए, जिस उसमें भी चाहिए। इसको हमने छुरी से कट कर लिया है, इस तरह के शेप्स में ले लिया है, और हमारा हलवा तैयार है। तो फ्रेंड्स, मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसे लगी, ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा, रिव्यूज़ शेयर करिएगा इसके लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आज वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।